चलिए, तो आप बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, सात प्रॉपर्टी कल आपने पढ़ी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, प्रॉपर्टी नंबर 8। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 8, MCR प्लस MCR माइनस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1 CR। ऐसे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को जब आप ऐड करेंगे, तो ये ऐड तभी होगी जब यहाँ पर n n हो, दोनों सेम हो और इन दोनों में 1 का डिफरेंस, ये r हो तो ये r माइनस, इसका जो वैल्यू आता है वो n प्लस 1, मतलब इससे एक ज्यादा, और इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ सफिक्स में आए n प्लस 1 CR। फिलहाल हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई दिस, दोनों का वैल्यू पुट अप किया, एनसीआर का वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और आर माइनस। और जैसा आपको बताया था कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए फैक्टोरियल नोटेशन वाले जितने भी नोटेशन हैं वो सब आप बाहर निकालिए, या कैंसिल हो सके तो कैंसिल करिए। तो जो बड़ा फैक्टोरियल है वो छोटे फैक्टोरियल में रिड्यूस करना है आपने। जैसे कि आप n माइनस आर फैक्टोरियल को देखो और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को देखो, तो ये बड़ा है ये छोटा, मतलब इसको हम इसमें रिड्यूस करेंगे। ऐसे ही r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में r फैक्टोरियल बड़ा है, तो हम r फैक्टोरियल को r माइनस 1 में रिड्यूस करें, बड़ा वाला छोटे में रिड्यूस होता है। सो नेक्स्ट स्टेप में n फैक्टोरियल रिमेंस एज सच, n माइनस r फैक्टोरियल रिमेंस एज सच, एंड दिस r फैक्टोरियल कैन बी रिटन r इनटू r माइनस 1 प्लस, ये n फैक्टोरियल एज सच है और इसको अपन इसमें रिड्यूस करेंगे, इसको आप लिख सकते हो n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और दिस रिमेन्स एज सच r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो दोनों में वो टर्म बना लीजिए जो दोनों से कॉमन आ सके, और अब आप देखिए n फैक्टोरियल दोनों में है कॉमन आ जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा और r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन, कॉमन ले लीजिए। So n factorial upon n minus r factorial into r minus 1 factorial common हो गया, अंदर बचा यहाँ पर 1 upon r और यहाँ पर 1 upon n minus r plus 1। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये as such अंदर एलसीएम लेंगे, n माइनस आर प्लस 1 इधर आएगा आर उधर जाएगा, ये बचेगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। और अब फाइनल स्टेप, n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n प्लस 1 फैक्टोरियल, बड़े वाले पे फैक्टोरियल लग जाएगा। सिमिलरली n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 को आप लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, और बचा आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो आपका बन गया, इसको आप n प्लस 1 cr लिख सकते हो, ये भी एलसीएम में ऐड कर इनटू r भी है, यहाँ r into r minus 1 factorial r factorial, and now this can be written n plus 1 cr, क्योंकि इसमें ncr का फॉर्मूला लगाओगे तो ये सी है, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका मैं क्वेश्चन में आपको यूटिलाइजेशन बताता हूँ कि क्वेश्चन में आप कैसे इसको यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
आपको टेन सी टू टेन सी थ्री को ऐड करना है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि टेन टेन है यहाँ पर और सफिक्स में वन का डिफरेंस है, तो बाई दिस रिजल्ट इसकी जो वैल्यू आएगी टेन सी ज्यादा मतलब इलेवन सी और तो टेन सी टू प्लस टेन सी थ्री का वैल्यू इलेवन सी थ्री होगा, तो न्यूमेरिकली ये इतना ही है, बाकी रिजल्ट वेरीफाई करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। नाउ यू टेक दी स्क्रीन शॉट, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर एट, कल आपने सात प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये आठवीं प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन टू पेज नंबर टू, तो नीचे टू आना चाहिए था क्या? क्या सी के नीचे टू आना चाहिए था? जो दोनों में बड़ा होता है वो आता है, आर और आर माइनस वन में बड़ा आर है, तो इधर आर आया था, टू और थ्री में बड़ा टू सॉरी थ्री है तो थ्री आएगा, जो बड़ा होता है उसके हिसाब से आर तो दिया है, फिर आर माइनस वन दिया है नेक्स्ट इसमें। दोनों में फर्क ये है कि आप इसको टेन सी थ्री पहले लिख दो, ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, टेन सी थ्री लिख दो और ये टेन सी टू लिख दो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अभी? हाँ सर। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर नाइन, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी में यू हैव टू शो दैट एमसीआर अपॉन एमसीआर माइनस वन, अभी आपने इन दोनों को ऐड किया था, अब इन दोनों को डिवाइड करें, एमसीआर अपॉन एमसीआर माइनस वन जिसका वैल्यू होता है टेन माइनस आर प्लस वन अपॉन एमसीआर। इसको एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं, केवल लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड तक पहुंचे, जल्द भी टीम की लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन दोनों का वैल्यू डालते, एन सी आर का वैल्यू है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, का वैल्यू है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन आर माइनस वन, अभी ये एन फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में बड़े फैक्टोरियल को छोटे वाले में रिड्यूस करना है, हम एन माइनस आर प्लस वन को एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखेंगे, दिस रिमेंस एज सच, इन डिनोमिनेटर एन माइनस आर फैक्टोरियल रिमेंस एज सच, और दिस आर फैक्टोरियल कैन बी रिटन आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये जो फैक्टोरियल है फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस वन आर माइनस वन से कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट बचा और बचा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन इसके दबा रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमने शो करना था, तो केवल लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करिए एंड वी गेट अवर रिजल्ट, ठीक है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर आ जाए, बाकी सब कैंसिल हो जाए। आपने पढ़ी थी, अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट,
इसके पहले आपने इन दोनों को ऐड किया था, अब इन दोनों को डिवाइड किया है, तो इसका जो वैल्यू है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर आता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9 एंड मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 10। एंड इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव कि n c r को आप n अपॉन आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, मतलब यदि n और r बाहर ले लिया आपने तो यहाँ पर एक एक कम हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई दिस n c r लेफ्ट हैंड साइड लिया, n c r का फॉर्मूला आप जानते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला डाल दिया क्योंकि हम मेरे को n और r बाहर चाहिए, इसलिए इस n फैक्टोरियल को वी कैन राइट n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इफ रिमेन एज सच एंड दिस r फैक्टोरियल कैन रिटर्न r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। जो आपको बनाना है वो अपन बनाते हैं यहाँ पर, तो n और r बाहर लिख लिया विदाउट फैक्टोरियल वाला टर्म, और अब बचा है आपके पास n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r माइनस वन फैक्टोरियल, एंड नाउ दिस कैन बी रिटर्न n बाय r n माइनस वन c r। इस क्वांटिटी को आप इतना लिख सकते हो, यही एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे ये भी आ जाएगी। तो दिस इज अवर 10th रिजल्ट। मतलब जैसे आप यदि इसको न्यूमेरिकली देखें, मैं यदि 10C3 लेके चलो, 10C3 को आप क्या लिख सकते हो 10/3 इंटू 9C2, एक एक कम हो जाएगा। ऐसे जब 9C2 को जब आप लिखेंगे तो ये 10/3 तो ऐसा है, 9C2 को लिख सकते हैं 9/2, ठीक है, कम हो जाएगा तो 8C1, और यू नो दैट 8C1 का वैल्यू 8 होता है, इसलिए इसकी जगह पर 8 लिख देना, वी गेट 10 9 8 अपॉन 3 2 1। और ये तो आपको पहले भी बताया था कि 10C3 का वैल्यू इतना होता है, एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिजल्ट 10C3। मतलब इस प्रॉपर्टी को यदि आप देखोगे तो न्यूमेरिकली ऐसा दिख सकते हैं, 10 और 3 बाहर लिखेंगे और एक एक कम हो जाएगा 9C2 आएगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। दिस प्रॉपर्टी नंबर 9 एंड 10। अब आपने कंसेप्ट सुना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यूज करके भी हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, और इसका अगला प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 11 फॉर्म करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। प्रॉपर्टी 11, इलेवन प्रॉपर्टी है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस n Cn इक्वल टू n टू पावर n माइनस। इसके पहले आप ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि sum of all the binomial coefficient is 2 raised to the power n, but अब जो आपका suffix है वही सामने coefficient हो,
सी वन है तो वन कोएफिशिएंट है, सी टू है तो टू कोएफिशिएंट है, सी थ्री है तो थ्री कोएफिशिएंट है, सी एन है तो एन कोएफिशिएंट है। इसका जो वैल्यू आता है ये एन इंटू टू रेज टू दी पावर एन माइनस वन आता है, और इसको आप वेरीफाई करेंगे विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है आप ये जानते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। मतलब जिस भी वेरिएबल पे पावर लगी हो जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर सामने आ जाएगी और वेरिएबल पे एक पावर कम हो जाएगी। और एक चीज कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये कुछ बेसिक आइडिया डिफरेंशिएशन का आपको है, इसी का यूटिलाइज करके हम ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। सो वेरिफिकेशन देखते हैं इसका। To verify this, first we write the our expansion 1 plus x power n. Which is C0, C1x, C2x square, Cn x power n. This is the binomial expansion of 1 plus x raised to the power n. And now to verify this result, we differentiate both sides of this equation with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. X के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगा। तो the derivative of left hand side is n into 1 plus x power n minus 1. Now this is a constant, the constant का डेरिवेटिव 0 होता है, plus c1x का डेरिवेटिव c1 होगा, c2x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर सामने आ जाएगी तो 2c2x हो जाएगा। फिर जो आगे c3x क्यूब आएगा उसका डेरिवेटिव 3c3x स्क्वायर, और फाइनली लास्ट टर्म का डेरिवेटिव n cn x पावर n माइनस। डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेरिएबल पे पावर सामने आ जाती है और वेरिएबल पे पावर एक कम हो जाएगा। एक पावर सामने आ जाएगी, वो जो वेरिएबल पे पावर है पावर एक कम हो जाता है। नाउ इन दिस रिजल्ट ऑलमोस्ट आप देखिए आप जो चाहिए वो आ गया, यहाँ पर c1 चाहिए था, यहाँ पर 2c2 चाहिए, 3c3 चाहिए, ncn चाहिए। मतलब ओवर ऑल वन को यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, और x को एलिमिनेट करने के लिए वी पुट x इक्वल्स टू 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो वी पुट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर वी गेट व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स n into 2 power n minus 1, and right hand side may be like c1, this is c2, c2, this is 3 times of c3, and so on, this is n, cn. This is our required result. जितना था आपने याद रखना है, differentiate करना है, और differentiate करके x की जगह 1 डाल दो। तो take the screenshot, कोई doubt है इसमें तो जो सी के सामने आपने 1 2 3 लिखा वो कोएफिशिएंट है क्या? हाँ वो कोएफिशिएंट है। सब बट हम कोएफिशिएंट को तो सी के फॉर्म में लिखते हैं ना? हाँ वो ऊपर वाला नंबर नहीं है, इंडेक्स तो एन ही होगा उसका, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे इंडेक्स एन का ही होगा, सामने जो नंबर लिखा है वो कोएफिशिएंट। सर फिर हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? ऐसे ही जैसा मैंने लिखा है। क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर एक्सपांशन दिया होगा उस पे जो इंडेक्स होगा वो अंडरस्टूड होता है कि इंडेक्स एन है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर 2n दूंगा यदि इंडेक्स, तो ये अंडरस्टूड है कि सब पे जो इंडेक्स यहाँ पर लगा हुआ है ये 2nc0, ये 2nc1, ये 2nc2 होगा। तो आपको वो 2n मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी इंडेक्स होगा ये ऑटोमेटिकली कंसिडरेबल है k
कि आपका इंडेक्स यदि 10 का है तो ये सब 10C0, 10C1, 10C2 ये वैसे ही होंगे, तो आप ऐसा ही मेंशन करेंगे। और कोई डाउट किसी को? ओके सर। सर वो टू डिफरेंशिएट के बाद आया ना? हाँ, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाता है, करंट हुआ है। यहाँ पे पावर वन था तो पूरा वन सामने आ गया, एक्स पे पावर जीरो, एक्स पे पावर जीरो वन होता है, ये हमने केवल सी वन लिया। ये तो पूरा नंबर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। और कोई डाउट है किसी ने तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो एक तो कैलकुलस में आप डेरिवेटिव पढ़ते हो, तो डिफरेंशिएशन से हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 11 बनाया। और एक और कंसेप्ट है, आप इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं, तो मैं एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 12 बता रहा हूँ, और वो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम जाए। पेज नंबर 4, पेज नंबर 11, 12, ये जो रिजल्ट आता है ये आपका इंटीग्रेशन से बनेगा। पहले मैं रिजल्ट मेंशन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी इज C0 प्लस C1 बाई 2 C2 बाई 3 एंड सो ऑन Cn अपॉन n प्लस 1 equals to 2 raised to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1. This is the result. What is the result with the help of integration? तो ये याद रखिए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में फर्क केवल इतना है, डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो पावर सामने आती है, एक पावर कम हो जाता है, और इंटीग्रेशन में वेरिएबल पे एक पावर इंक्रीज हो जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, या आप लिखते हो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, इसको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्स्टेंट c, इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडेफिनाइट। इसलिए कभी भी याद रखें, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है एक्स पावर 3/3 होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। मतलब डिफरेंशिएशन में पावर सामने आती है, एक पावर कम हो जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में एक एक पावर इंक्रीज होती है। एक्स पावर 3 हो जाएगा और उतना ही नीचे आएगा, तो पावर बन गया वही नीचे डिवाइड कर। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया है। तो इस इंटीग्रेशन से ही हम ये रिजल्ट लाते हैं। तो टू वेरीफाई दिस, फर्स्ट वी राइट अवर एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, विच इज 1 प्लस एक्स पावर एन, इसकी वैल्यू होती है C0 C1x C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन Cn एक्स पावर एन। दिस इज अवर बाइनोमियल एक्सपेंशन और 1 प्लस एक्स पावर एन। अपन ने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सब इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट वी राइट दी एक्सपेंशन, एंड नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना। ये देखिए इंटीग्रेशन आपको भी बताया, वेरिएबल पे यदि n का पावर है, जो पावर है उससे ज्यादा पावर आती है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो
तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आपका यस 1 प्लस x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस ये कांसेप्ट है इंटीग्रेशन c0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा c0 इनटू x x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 और x पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट d ले लिया c भी लिख सकते हैं d भी लिख सकते हैं क्योंकि c c हर जगह लिखा है इसलिए मैंने d मेंशन कर इस तरीके से ये कंसेप्ट से बोथ साइड पहले इंटीग्रेट किया है अब मैं यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट d का वैल्यू निकाल नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट d का वैल्यू निकालेंगे एंड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d वी पुट x इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन दोनों तरफ x की जगह पर अपन 0 डालेंगे x की जगह 0 डालोगे दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ पर x को 0 डालोगे तो ये सारे 0 0 0 0 हो जाएंगे जीरो क्या तो देगा therefore ये जो d आपने यहाँ पे लिखा है ये d का वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1 ये d का वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1 therefore अब अपना रिजल्ट हो गया ये d की वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1 डाल के लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देना therefore we get वन प्लस एक्स पावर एन प्लस वन इसको ट्रांसफर कर दिया है डी को डिवाइडेड बाय एन प्लस वन राइट हैंड साइड में अपने पास है सी जीरो एक्स सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू सी टू एक्स क्यूब बाई थ्री और एट द लास्ट सी एन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस देखिए इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट करने के बाद एक्स को जीरो डाल के कांस्टेंट की वैल्यू निकाली इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वो वैल्यू यहाँ पुट अप करके ट्रांसफर कर दिया वी गेट दिस रिजल्ट बट आपको जो रिक्वायर्ड था उसमें कहीं एक्स नहीं है मैं यहाँ पर एक्स को एलिमिनेट करूंगा सो वी पुट एक्स इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन और जैसे ही आप एक्स की जगह 1 डालोगे यू गेट योर रिजल्ट सो वी पुट एक्स इक्वल्स टू 1 therefore we get x की जगह 1 डालेंगे तो दिस बिकम 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 राइट हैंड साइड में x को 1 डाल रहे हैं c1 by 2 c2 by 3 and so on cn upon n plus 1 this is the required result तो ये कैसे पता करेंगे कि कब डिफरेंशिएट करना है और कब इंटीग्रेट करना है तो जब वो कोएफिशिएंट बनता है मतलब सामने लिखा जाता है तो डिफरेंशिएशन से आया होगा लेकिन जब नंबर डिनोमिनेटर में आते हैं 2, 3 ये डिनोमिनेटर में आ गए तो ये इंटीग्रेशन से आते हैं तो जब भी किसी क्वेश्चन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के अपॉन में नंबर हो तो आप समझ लीजिए कि वो इंटीग्रेशन से आएगा लेकिन उसके साथ कोई नंबर कोएफिशिएंट के फॉर्म में है प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो फिर वो डिफरेंशिएट करके आएगा तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट प्रॉपर्टी नंबर 12 सर ये प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन बताइए ना बता रहे चलिए अब ओवरऑल हम कुछ क्वेश्चन ही कर रहे हैं जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा उन पर पहले इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं दीज आर दी 12 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन Now here we discuss some questions based upon the properties. देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन Our question is find the value of
टू सी जीरो प्लस टू स्क्वायर बाई टू सी वन प्लस टू पावर थ्री बाई थ्री सी टू और टू टू पावर इलेवन बाई इलेवन सी टेन. We have to find its value. अब इसमें आप दो जगह ऑब्जर्व करिए चीजों को. फर्स्ट थिंग तो नंबर जो है वो डिवाइड होके आ रहे हैं. सी वन है तो उसके अपॉन में टू है, सी टू है तो अपॉन में थ्री है, सी टेन है तो अपॉन में इलेवन. और ये तभी होता है जब आप इंटीग्रेशन करके रिजल्ट लाए. ये इंटीग्रेशन से बनेगा. बट आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला आप सी एन तक गए थे. जब सी एन लिखा था तो एन प्लस वन आया. यहाँ पर ये सी टेन तक गया, मतलब इंडेक्स हमारा एन का जो वैल्यू है वो कितना होगा, यहाँ पर टेन होगा. जब अपन एन को टेन लेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा. सबसे पहली बात तो एक फिक्स हो गई कि ये आपको एक्सपांशन में एन की जगह पर कितना लेना पड़ेगा, टेन लेना पड़ेगा. दूसरा जो आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इनके अपॉन में भी जो C1 है अपॉन में 2 है, C2 है अपॉन में 3 है और Cn है अपॉन में n प्लस 1, लेकिन इनके सामने कोई नंबर नहीं है. तो अपन इसके जस्ट पहले जब बात करें तो अपना एक्चुअल रिजल्ट जो होता है वो ये होता है. इस तक पहुंचने के लिए अपन ने x को 1 डाल के x को एलिमिनेट किया. लेकिन आप यदि इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करें तो इस रिजल्ट में आप ये देख रहे हो कि इस जगह पर आप देखो जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, टू. ये टू सी जीरो है. जब आप x को टू डालेंगे तो ये टू स्क्वायर बाई टू बनेगा ये वाला रिजल्ट. जब x को यहाँ पे टू डालेंगे तो ये टू पावर थ्री बाई थ्री बनेगा. तो ये रिजल्ट बनाने के लिए हमने x को वन डाला था. पर जब सामने ये टू टू स्क्वायर टू क्यूब टू पावर फोर टू पावर इलेवन ऐसे नंबर्स आते हैं तो फिर आपको एक्स की जगह पर कितना लेना पड़ेगा. तो दो बातें हैं कि इसको वेरीफाई करने के लिए वी पुट एन इक्वल्स टू टेन एंड एक्स इक्वल्स टू टू इन दिस रिजल्ट विच इज वन प्लस एक्स पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू सी जीरो एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू एंड सो ऑन सी एन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन. तो ये रिजल्ट में आप ये दो सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, n की जगह 10 लिख दो और x की जगह 2 लिख दो. therefore दी गए, जब आप x की जगह पर 2 लिखेंगे तो ये 2 plus 1 3 हो जाएगा, power 11 हो जाएगा upon 11. और यहाँ पर x की जगह 2 लिख रहे हैं तो this becomes 2 c 0 2 का square by 2 c 1. फिर अगला आएगा 2 का power 3 by 3 c 2 और यहाँ पर 2 पावर 11 अपॉन 11 सी 10. n को 10 और x को 2 डालेंगे. वी गेट अवर रिजल्ट. तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कांसेप्ट. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो इंटीग्रेट करके बनाते हैं. उससे x को 1 लेने से वी गेट दिस रिजल्ट. और जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, अब आप देख रहे हो कि हमको यहाँ पर 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ऐसे टर्म चाहिए थे. ये तब बनेंगे जब आप x की जगह 2 डालेंगे. दो बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे, अननोन नहीं थे, एन नहीं था, टेन तक गए थे अपन, इसलिए एन को टेन लेना पड़ेगा और एक्स को टू लेना पड़ेगा. तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. कोई डाउट हो उसमें तो पूछ लीजिएगा. सर ये आंसर को और सामने प्रोसीड करना पड़ता है कि एपी छोड़ देना पड़ता? नहीं नहीं, बस आपको इसका वैल्यू पूछा जाएगा और ऑप्शन ऐसे ही दिए हैं.
आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए इसके नीचे दे रहे हैं उसको, तो फिर अगले पेज पे अपन सॉल्व करेंगे। तो आप ट्राई करिए उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू आपने फाइंड आउट करना। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, टू पावर एन इंटू एन, दूसरा ऑप्शन है टू पावर एन इंटू एन प्लस वन, अरमान करेक्ट है, वेरी गुड अरमान, सॉरी अरमान चेक करो, नहीं अंशु बगने चेक करो, संकेत उमरेटकर करेक्ट है, वेरी गुड, कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड, सृजल करेक्ट है, वेरी गुड, अभिषेक बहादुर करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए ऑलमोस्ट सभी का आ गया। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन। और आप इसको सबसे पहली बात तो एक क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं, हमको एन तक पूछा था तो अपन एन की जगह पर वन ले लेते हैं। अब एन की जगह वन लोगे तो ही था मान सी जीरो और थ्री सी का, एन को आप वन ले रहे हैं, इंडेक्स को वन ले रहे हैं, तो वन थ्री जीरो इसका वैल्यू वन होता है, वन थ्री वन इसका वैल्यू वन होता है, ये वन प्लस थ्री फोर आए। तो अब आप देख लीजिए एन को वन डालने से कौन सा ऑप्शन फोर बना। यदि आप एन को वन डालोगे तो यहाँ पर फोर नहीं बनेगा, यदि आप एन को वन डालोगे तो जीरो आएगा, एन को वन डालोगे यहाँ पर तो ये फोर बनगा, और एन को वन डालोगे तो ये भी फोर बन। दो ऑप्शन है फोर्थ और सेकंड जो कि फोर बनाएंगे, इसलिए अब आपको एन को अगला वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन बन गए तो अपन एन की जगह पर टू ले लो। तो अब ये टू पे खत्म होगा, इनका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो टू सी जीरो का वैल्यू वन होता है, टू सी वन का वैल्यू टू होता है, टू थ्री या सिक्स, टू सी टू का वैल्यू वन होता है, तो ये फाइव आ गया, तो ये छः पाँच ग्यारह और एक बारह। तो इस ऑप्शन में डाल के देखिए कि एन को दो डालने से बारह आता है, इसमें एन को दो डालने से बारह आता है। इफ यू पुट एन इज इक्वल टू टू हियर तो ये टू प्लस वन थ्री, ये एट हो जाएगा, और एट टू या सिक्सटीन आएगा तो ये आपका बारह नहीं बनाता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा।
और एम को यदि दो यहाँ पर आप डालोगे तो ये 4 3 12 बनाएगा। ये क्रॉस चेकिंग है, एन की वैल्यू डाल के आपने चेक कर लिया, अदरवाइज आप इसको बाई मेथड भी जा सकते हैं। मेथड अपन अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, इट्स सॉल्यूशन। वैसे तो आप सभी का आ गया है, तो सॉल्यूशन बताऊं कि रहने दो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 6। सर सॉल्यूशन बता दो। एक हजार बोलता है। देखो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग जो करा जाता है सबसे पहले इसका अंत किया जाता है। आप इसका लास्ट टर्म पकड़िए और इसकी हेल्प से अपन इसका जनरल जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसका जो जनरल टर्म बनेगा तो आप यदि सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन 2r+1, एन की जगह आर लिख दिया और एन सी आर जहां जहां एन लिखा है और आर का वैल्यू 0 से लेके एन का। जब आप आर को 0 डालोगे तो यू गेट द फर्स्ट टर्म, देख लीजिए आर को 0 डालने से एन सी 0 बनेगा। जब आप आर को 1 डालोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3c2 हो जाएगा, थ्री सी वन हो जाएगा आर को 1 डाल, और इस तरीके से एन तक डालोगे तो ये सारे टर्म्स को आप सबसे पहले ऐसा लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको आप सेपरेट कर लीजिए, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, आप इसको लिख सकते हो आर इंटू एन सी आर। अगला स्टेप हो गया। नाउ अभी आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी, आप इस एनसीआर को लिख सकते हो एन अपॉन आर और एन माइनस वन सी आर माइनस प्रॉपर्टी यूज कर ली, दिस रिमेन्स एज सच। अब ये आर कैंसिल हो जाएगा, एन बाहर हो जाएगा, दिस इज 2n आर फ्रॉम 0 टू n, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 और ये आर फ्रॉम 0 टू n n सी आर। अब जब आप दोनों का वैल्यू पुट अप करेंगे यहां पर देखिए, एक्चुअली ये लिखा क्या है, ये तो 2n है और इसमें जब आप आपको 0 डालोगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि सफिक्स कभी नेगेटिव नहीं होता। अब आप r की जगह अगला वैल्यू डालेंगे तो r की जगह पर 1 डालेंगे तो ये बनेगा r की जगह 1 डालने से n 1 0 फिर n माइनस 1 सी 1 और जब आप n तक डालेंगे तो आप 2n माइनस 1 सी n माइनस 1 पहला वाला टर्म है। दूसरा वाला तो आप जानते ही हो, हमेशा ओपन करेंगे 0 डालोगे तो एन सी 0 एन सी 1 अप टू एन सी एन, ये दोनों की वैल्यूज अपन ने डाल दी। एंड नाउ नाउ दिस इज 2n, यू नो दैट इनका जो सम आएगा सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट, आपने पढ़ा है सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 रेज टू दी पावर इंडेक्स, इंडेक्स क्या है n माइनस 1, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n माइनस 1 होगा, यहां पर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n। नाउ 2 * 2 पावर n माइनस 1 को 2 पावर n लिख सकते हैं और ये 2 पावर n, 2 पावर n कॉमन ले लीजिए, then you get your result. This is the second option, 2 power n into n plus 1. So
तो दिस इज दी एक्चुअल मैटर, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लास्ट टर्म को देख के जनरल टर्म लिखना है सिग्मा नोटेशन, और उसके बाद फॉर्मूले लगा दें। अब इस एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई डाउट है? वेरी गुड, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। सर हम डेरिवेटिव वाली मेथड से भी कर सकते हैं ना, जो आपने पहले रिजल्ट बताया था? हाँ उससे भी कर सकते हैं। सर वो डेरिवेटिव मेथड कैसे सॉल्व होगा एक बार बताओ ना। डेरिवेटिव मेथड से जो रिजल्ट बनता है वही रिजल्ट यूज करना है। तो अपन ऑलरेडी डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला बना चुके हैं, वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना, उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएट करके ही अपन रिजल्ट लाए थे। ठीक है, तो जब भी कोएफिशिएंट सामने आते हैं तो वो डेरिवेटिव करके आते हैं, और ऑलरेडी वो अपन रिजल्ट बना चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी 11 डायरेक्टली यूज कर लेना, तो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, तो भी ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाए क्योंकि नंबर सामने आ गए। जो R इंटू NCR बन गया था, तो R इंटू NCR वही होता है, जो सफिक्स है वही सामने है। यदि C1 है तो 1 हो जाएगा, C2 है तो 2 सामने हो जाएगा, तो आप उसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते थे यहाँ पर, ये भी हो जाता तो वो बोला है। ठीक है, और पेज नंबर 7 पर मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए होमवर्क के लिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, एन जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ एन वन प्लस टू स्क्वायर एन टू टू पावर एन एन एन, इसका वैल्यू कितने के बराबर है? टू पावर एन जीरो, थ्री पावर एन या नन ऑफ दिस। एक बात आप यहां समझिए कि जो आप एनसीआर पढ़ते हो, ये तीनों ये नोटेबल बात है, इसको आप याद रखें। आप एनसीआर पढ़ते हो, इसी एनसीआर का एक और नोटेशन है, इसको सी एन आर भी लिखते हैं, और इसी सी एन आर को ऐसा आप भी लिखते हैं एन आर, तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे तो ऐसा नोटेशन मिलेगा, कहीं पर ऐसा नोटेशन है, कहीं पर ये है, तो अभी मैंने आपको ये यूज किया। मतलब ये जो एन जीरो लिखा है इसको आप एन सी जीरो पढ़ोगे, इसे एन सी वन, इसे एन सी टू, इसे एन सी, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है, इन एक्सपांशन वन प्लस एक्स रेज टू द पावर 50 सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आर पावर्स ऑफ एक्स is 0, 2 power 49, 2 power 50, or just 2 power 51. Next question is, you have to find this value, r from 0 to n minus 1, ncr on ncr प्लस एन सी आर प्लस वन। आपके ऑप्शन है एन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, या एन इंटू एन माइनस वन अपॉन
टू इंटू एन प्लस वन, विच वन इज करेक्ट। ये तीन क्वेश्चन है होमवर्क में, आप इनको ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट ले लें पेज का, क्वेश्चन पढ़ने में कहीं दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। चलिए बाकी करेंगे अगली क्लास में। सर हाँ बोलिए सर, एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर बताओ ना कैसे करना पड़ता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन, सबसे पहले एक्स का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। सर दो मिनट, क्वेश्चन है सर एक। सर एक क्वेश्चन है, द एंसेंट्रिक एंगल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स आर गिवन बाय। हाँ तो ऑप्शन क्या है सर? टेन इनवर्स प्लस माइनस ए अपॉन बी, टेन इनवर्स प्लस माइनस बी अपॉन ई, एंड टेन इनवर्स प्लस माइनस ए अपॉन बी। एंसेंट्रिक एंगल ऑफ क्या पूछा है सर? एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर, एलआर आप बनाते हो तो एलआर का जो कोऑर्डिनेट होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर वो ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होते हैं, और आपको उसको ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए को जो है वो वहां पर थीटा से रिप्लेस करना है। थीटा जो है वो एसेंट्रिक एंगल होता है, तो आप जानते हो कि एसेंट्रिक एंगल जब आप कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हो एलिप्स पर, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो उसमें थीटा को एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। तो आपने जो ए है उसको ए कॉस थीटा से और जो बी स्क्वायर बाई है उसको ए साइन थीटा से कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि एसेंट्रिक एंगल कहलाती है। तो आपको एसेंट्रिक एंगल मतलब थीटा के टर्म्स में लिखना है बस वैल्यूज को और कुछ नहीं। मतलब वहां पर ए बराबर जब आप ए कॉस थीटा से कंपेयर करोगे तो ई बराबर कॉस थीटा आ जाएगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ई हो जाएगा। समझा कुछ? ठीक। अब कुणाल तुम देख लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जैसे सपोज आपको ये 3x² - 5x + 7 के तो रूट्स इमेजिनरी आ जाए, ठीक है? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपन करते हैं। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट निकालना है तो फर्स्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन बनाएंगे और इसके लिए थ्री से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट 5/3 है, आधा करोगे तो 5/6, इसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना है। हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, 5/6 का स्क्वायर ऐड किया और बैलेंस करने के लिए 5/6 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ इसे फर्स्ट थ्री टर्म्स बिकम कंप्लीट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5/6, x minus 5/6, इसका complete square बनेगा। Now when we simplify this, this is 2/3, 25/36 equals to 0. Now here we take the LCM 36, so here 24 - 25. First term remains as such, equals to 0. X minus 5/6 का square, this is 1/36 transfer होगा, 1/6 का square लिखते हैं। Now take the square root both sides of this equation. X minus 5/6 is equal to plus minus 1/6. Square root ले लिया। Now when we take positive sign, 6/6 1 बनेगा। When we take negative sign, so 5/6 minus 1/6, 4/6 which is 2/3. The roots are 1 and 2/3. समझ गया कुणाल? सर लास्ट स्टेप और एक बार बताओ ना। एक बार प्लस साइन लेना है यहाँ पर,
इसको ट्रांसफर करके कैलकुलेट करना, तो वन आएगा, एक बार माइनस साइन लेना यहाँ पर, इसको ट्रांसफर करके कैलकुलेट करोगे तो 2/3 आएगा। ओके सर, चलिए बाय एवरीवन।